सो तो है। अरे इतना सब कुछ समझते हो तो जो मैं पैसे दे रहा हूँ उससे ये बेकार की बलकारी चीज दूध वूध पीने का क्या फायदा। हाँ मैं पैसे दे रहा हूँ, ऐसा करो तुम उसके वो छोले भटूरे खाओ। छोले भटूरे खाओ? हाँ ठर्रा 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 चढ़ाओ, ठर्रा पियो। अरे बचपन में दूध वूध बहुत पिया, अब 90 साल की उम्र में जरा ठर्रा होता चला। जरा सा पानी मिलेगा। अरे उपसाला पानी 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 पानी। मामा जी मामा जी मामा जी बुलाया आपने? अरे भाई आओ 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 हृदय चरण आओ। हाँ जी तेरा अच्छे तो है ना मामा जी? हाँ बिल्कुल ठीक बिल्कुल ठीक। और आप भी ठीक ठाक है ना? अरे हृदय चल, अब मैंने सुना है तू कहीं से हाथ पाथ देखना सीख गया? हाँ मामा जी, काली घाट के ज्योतिष सागर के पास से सीखा है मामा जी। हस्त रेखा पत्र मिलाना और इसके साथ साथ न्यूमरोलॉजी। न्यूमरोलॉजी? अबे ये किस चिड़िया का नाम है? है मामा जी है। आप 1 से लेकर 249 के पीछे कोई नंबर बोलिए, मैं एकदम करेक्ट फोरकास्ट कर दूंगा। पर सीटिंग 250 रुपये फीस है। अरे अच्छा तू वो छोड़, ये बता के उम्र कितनी है? उम्र बैठिए। सीधा मेरी नहीं उसकी। बादशाह बुढ़ाओ अभी तक जिंदा है। मुझे मार कर मरेगा ये। मामा जी इसकी उंगलियां तो कुत्ते की दुम की तरह टेढ़ी हो गई। तो सीखा करके देख ले, अगर सही सही उम्र मालूम चल जाएगी तो हम एकदम निश्चित हो जाएंगे। जी और ठीक ठीक उम्र का पता भी चल जाए तो हम इसे निश्चित हो जाएंगे। हाँ। मामा जी मामा जी। हाँ सिंह राशि। सिंह राशि? अरे सिंह राशि तो होती है। जानता है जानता है कुछ तो जानता है। मामा जी राक्षसगण। राक्षसगण राक्षसगण। अच्छा तू ऐसा कर, ये जनगणना छोड़कर असली बात पर आ, मुझे ये बता के इसकी उम्र कितनी है? आयु आयु तो लंबी है, लंबी आयु रेखा है। बिल्कुल सच कह रहा हूँ मामा जी, उभर कर बाहर निकली है, बृहस्पति की दशा है। अपनी बीवी का हाथ देख। क्या अचरज की बात है, जिस घर में जाता हूँ आयु लंबी है सुनकर सब लोग खुश हो जाते हैं। यही सोच कर बढ़ा चढ़ा कर बोलता हूँ। देखो बढ़ा चढ़ा कर बोलता हूँ। अबे तेरा ये शीशा, अबे तेरी ये पोथी पतरी और तेरी ये विद्या सब धोखोड़ी की। अबे लूज कैरेक्टर। अच्छा बाबा जी एक बार न्यूमरोलॉजी से देखो। अबे न्यूमरोलॉजी हो या पैथोलॉजी मामा जी। अबे मर गया तेरा मामा। अरे 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 गोविंद, ओ गोविंद लेकर आओ उसे। अरे ओ खींचा ताली काहे कर रहा हूँ, मैं तो यही आ रहा था। अरे शहर से बाछा भैया का खून पेशाब सब टेस्ट करा के लाया हूँ। दे अभी अभी दिखाता हूं। ये रही ब्लड रिपोर्ट। क्या
अरे क्या कह रही है ये ब्लड रिपोर्ट? अरे एकदम खराब, अब पेशाब पकड़िए। अरे इधर है, अरे ये क्या पकड़ा दिया मुझे? हेलो, रिपोर्ट में से भी बदबू आ रही है। अरे ये अरे दोनों किडनियां बेकार हो गई। किडनियां दो होती है? नहीं जानते, ये तो है। अरे यार ये किडनियां बहुत हंसाती है। अरे सब बर्बाद हो गया, सब बर्बाद हो गया। अब इतने दिन से सुन रहा हूं कि किडनी नहीं है, पेशाब में एल्युमिनियम है। अब तो इसके अंदर ये क्या दुख चुका रहा है? अरे समझ नहीं पा रहा। अबे तेरा ये शीशा वीशा और तेरी ये पाइप वाइप सब दो कौड़ी की। अबे लूज कैरेक्टर। अरे ये क्या? अरे क्या रे क्या? अरे साला, अरे क्या रे साला गोविंद? अरे कहाँ है? अरे क्या कहाँ है गोविंद? नब्ज, नब्ज कहाँ है? अरे नब्ज नहीं है। देखिए आजकल के डॉक्टर वैद्यों का नमूना, आदमी जिएगा या नहीं ये तो बता नहीं सकते, लेकिन आदमी मरेगा या नहीं उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। मैं दवा दिए देता हूँ। मुख्तार, अरे अरे मुख्तार मेरी, अरे मेरी पेटी दे दे। अरे इसमें बादशाह की दवाई है। चरम से लाल हुई दुल्हनिया, अब भैया मिलेंगे आज की रतिया। नाना, हेलो नाना, आज बुड्ढे को चुका के हैरान कर दूंगा। अरे साला कम दूर है रास्ता, पहले वो नाव, फिर वो ट्रेन और फिर वो बैल गाड़ी। आओ जरा देखो, जरा पैर ऊपर करना, देखो जरा कितना आता पोत रखा है। दोनों सैंडल लाल हो गए। ओहो, शर्म से गाल गुलाबी गुलाबी। सारे रास्ते भुनभुनाती आई, कहती है तुम्हारा घर द्वार नहीं, ब्याह कर लिया है, बीबी को रखने का सेंस नहीं है। अरे क्यों पद्मा रानी, अब कुछ विश्वास हो रहा है? अरे जरा आंखें तो खोलो और देखो। हे भगवान, ये कहाँ ले आया? अरे ये सब बातें बाद में करियो, पहले जरा खाने को दही चिवड़ा बना दे, मारे भूख के पेट में चूहे दर्द डिस्को कर दे। पता नहीं अब किसके घर ले आए ये? किसके घर क्या मतलब? अरे मेरा घर है, मेरी सगी माँ के सगे बाप का घर। हाँ हाँ, सारे तुम्हारे सगे हैं, ले नहीं गए सगी बुआ के घर, उन्होंने तो देखते ही खदेड़ दिया। अरे वो जरा दूर के सगे थे ना, अब आए ना बुआ मेरे घर, अरे मैं भी खदेड़ दूंगा। अच्छा बुआ के बाद ले गए थे सगे ताऊ के घर, उन्होंने तो पैर भी नहीं छूने दिए। अरे ताऊ ना गऊ, अगला गऊ की तरह बुद्धू है, तभी तो तुम जैसी सुंदर बहू की कदर नहीं की। बताओ पैर तक छूने नहीं दिए। अरे कोई बात नहीं,
मेरा नाम भी गोपी है गोपी, अब आए ना वो मेरे घर, अरे मैं भी नहीं चुने दूंगा। अच्छा कोई नहीं है तुम्हारा अपना, सुना तुमने, कोई नहीं है ना, ताऊ है ना ताई, लोगों के घर बस डेरा डालते रहते हो। पहले अकेले था तो काम चल जाता था, अब की बार मैं थी ना साथ में, कौन पालेगा इस बेकार निठल्ले को। अरे चुप। अरे मैं क्यों औरों के घर रहने गया था भला, अरे मैं तो रिश्तेदारों का टेस्ट लेने गया था। टेस्ट लेने वाले मेरे बापू को धोखे में रखा, शराब पिलाई, कहा बड़ा पैसे वाला है साला 420। शादी के बाद से तो कभी इसके घर तो कभी उसके घर चक्कर लगा रहे, सुहाग रहा था कब मौका नहीं मिला। अरे सुहाग रात भी होगी। हाँ होगी। ठीक है, अरे अगर इतनी दिक्कत हो रही है तो जाओ वापस बाप के पास। हाँ हाँ वहीं जाऊंगी। अरे तो जाओ ना, मर रही थी भुखमरी से, वो तो ठीक हुआ कि मैं सही समय पर पहुंच गया वहाँ पर। सुना सुना आप लोगों ने, इन्होंने मुझसे भी आ किया तो मेरी भुखमरी ठीक हो गई, चली जाऊंगी कह देती हूँ। अरे तो जाओ ना जाओ, मुझे क्या, मेरे अपने सगे मामा का घर है ये, अब हालांकि मामा लोग कभी पैदा नहीं हुए। पर ये बाग, बाग, बागीचा, बागीचा, ये पेड़, ये पेड़, ये सब तुम्हारा अपना है। अरे सच कह रहा हूँ पद्मा रानी, तुम्हारे सुहाग की कसम, ये सब तुम्हारा अपना है। अरे हाँ, वाह 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 वाह, क्या साफ सुथरी हवा है, साफ हवा, अरे सब बीमारियां दूर हो जाएंगी। मेरे पीहर में तो कुछ भी ना था, न बाग न तालाब। तेरे पीहर में? अरे कैसे होगा तुम्हारे प्यार में, इनके पिताजी यानी कि मेरे पूज्य ससुर जी आए दिन शराब की भट्टी पर टुन हुए पड़े रहते थे, वहीं पर तो मुलाकात हुई थी मेरी और इनकी माँ यानी कि मेरी सासू माँ, अरे रोज कारखाने में लड़कियों को लेकर लाइन लगाए पड़ी जाती, अरे देखकर इतनी तकलीफ हुई कि पूछो मत। सुनो कहो, तुम मुझे धोखे में तो नहीं रख रहे ना, ये लोग कहते हैं कि तुम 420 हो, ये ठीक तो नहीं। अरे था कभी, पहले अपन 420 ही तो था, तो उड़ाया खाया सब जाया किया, लेकिन तुमसे शादी के बाद ये गोपी ये जमीन और जायदाद की कीमत समझ ही गया। अरे जाओ जाके बैठो। नोच दिया ने, पैर में दर्द था। ए लाल सूट, तू कौन है री? नाना साला जैसा, तू कौन है रे? अरे नाना मैं गोपी। टोपी, टोपी किन्ने पहनाई मुझे? अरे टोपी नहीं गोपी, गोपी तुम्हारी छोटी बेटी का बेटा। छोटी बेटी का बेटा, उसका बेटा कहाँ सा है, वो तो कब की मर खप गए। अरे मरने के बाद थोड़ी ही पैदा हुआ हूँ, मुझे जन्म देकर फिर मरी थी ना। अच्छा ये बता, तू कौन से दामाद का बेटा है, मझले का या बड़े का? अरे जब एक बार कह दिया छोटी बेटी का, छोटी बेटी का, तो बड़े दामाद का कैसे हो गया, बातें समझ पड़ोगी। अच्छा तो तुम्हारे सगे नाना जी हैं? क्या कहूँ, इतने सगे हैं कि तुम्हें ही नहीं पहचान रहे। देखो ना, अरे कभी तो ऐसा गुस्सा चढ़ता है कि तुम चलो, अरे शराब की भट्टी लगाऊंगा, बगीचा में ना लिख दे शराब की भट्टी लगाऊंगा। गोपू, अरे साला गोपी। नाना, अरे साला कहाँ चला गया था रे, सोच सोच के पागल हो गया था कि मरने से पहले तुमसे मुलाकात होगी भी नहीं। देखा देखा नाना, बहू बहू को बुलाओ। किसकी बहू, तेरी या मेरी? कैसी सावली सलोनी सी,
लौकी की लतर सी बहू लाया है ना, तू हमें माफ कर दियो नाना। क्यों रे भैया? अरे तुझसे लड़कर चला गया था ना मैं नाना। नाना तूने सही कहा था नाना, ये धरती माँ होती है नाना, माँ माँ अन्नपूर्णा। नाना नाना आज से हम दोनों इसको हरा भरा रखेंगे। किसको हरा भरा रखेगा रे, ये सब मेरे हाथ में नहीं है। नहीं है? ये सब मालिक के नाम कर दिया है, मरने पर सब उनका। अरे बुढ़ाऊ ये क्या सर्वनाश कर दिया तूने? सर्वनाश ना करूं तो और क्या करूं? कब तुझे अकल आएगी और कब तुझे अकल आएगी और बहू संग में लेकर आएगा? इसी आस से बैठा रहूं। मालिक ने जबान दी है, बोर्ड लिखा रहेगा मेरे नाम से, बाछा कापाली का बागीचा। जा जा। सुनो क्या कह रही बुड्ढा, हमारा कुछ भी ना रहा। कच्चर बुड्ढे जबान कहेगा? अरे इकलौते नाती के लिए तूने पत्ता तक नहीं छोड़ा पद्मा। अब ये सियार कहाँ बोल रहा है? अरे तुम्हें ही क्यों, इस बुड्ढे ने मुझे भी कहीं का नहीं छोड़ा। इतना ज्यादा जब से माल उड़ा रहा हूँ, घर में चावल नहीं है तो चला आया। क्या मजे से दिन बीत रहे थे, लेकिन अब नौकोड़ी के हाथ में बगीचा चला जाएगा तो उससे तो मेरे प्रोफेशन पे ही तलवार लटक जाएगी। पद्मा ये हमारे गांव के मशहूर घरेलू चोर है। अरे वो फैमिली डॉक्टर होता है ना, वो ऐसे ही फैमिली चोर है, बहुत बड़े चोर। अरे अब क्या, अब अपनी लाख थोड़े रख सकूंगा। नौकोड़ी के हाथ में बगीचा चला जाएगा तो वो चारों तरफ कटीले तार लगाएगा, पहरेदार बिठाएगा, और वैसे भी अमीरों के यहाँ चोरी करना मेरे जैसे छोटे मोटे चोर का काम थोड़े है। ए बड़ू, तूने नौकोड़ी के साथ सौदा क्यों किया? और अगर करना ही था तो मुझसे कंसल्ट क्यों नहीं किया? जा, मेरे ही बागीचे में चोरी करेगा और तुमसे ही कंसल्ट करूं? तू नहीं करोगे? जन्म से माल उड़ा रहा हूँ, आखिर मेरा भी कोई रेट है। अच्छा बहू तुम ही बताओ, जिस घर में कोई किराएदार रहता हो क्या उसे बेचा जा सकता है कभी? अरे नहीं नहीं, ये कैसे बिकेगा? अरे मैं भी तो इस बगीचे का किराएदार जैसा ही हूँ। अरे ये तेरे हाथ में क्या? अरे नारियल। अरे साला मैं यहाँ बैठा था, बैठा रह गया और ये साला नारियल मार लाया। तोड़ते वक्त नहीं पकड़ा तो अब पकड़ने का कोई राइट नहीं। पिछवाड़े को लात लगा के ना राइट टाइट कर दूंगा। अरे जाने दो ना, क्यों छीन रहे हो? अब वैसे भी कितने दिन चोरी चकारी कर पाऊंगा, घर पर बच्चे भूखे हैं, क्या फायदा, जाने दो ना। पद्मा चलो अब यार रहकर क्या होगा। अरे रुको, कहाँ जाएंगे? अरे वो तो मैं तुम्हारे बाप के पास छोड़ाऊंगा, चलो। हाँ ना, फिर उसी दरवे में। नहीं नहीं मैं नहीं जा रही। अरे तो अब यहाँ रहकर क्या होगा, ये बुढ़ा, अरे ये टप से टपक जाएगा और वो नौकोड़ी हमें मार मार के यहाँ से बाहर निकाल देगा, चलो। अरे सुनो तो, ऐसे ही थोड़ी निकाल सकेगा, जितने दिन हो सके बुढ़े को जिंदा रखेंगे। सुनो ये कैसा खुला बागीचा, ये तालाब का पानी, ये धीमी धीमी हवा, ये सब छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। सब समझता हूँ लाडो, पर मेरे लिए और जीना मुमकिन नहीं है। नाना हम तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। इधर तुम लोग मुझे नहीं छोड़ोगे, उधर वो नहीं छोड़ेगा, तुम लोग समझते क्यों?